राम राम भाई, सारे भाइयों ने आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों, इस रोड पर का मैं जान लग रहा था, यो गांव बापुड़ा है। फिलहाल आप बापुड़ा में खड़े हैं भाई, ये आप देख सको हो। और यार का जान लग रहा था, तो कल जो है फाइनल मैच है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, और इस साइड भाई अकेडमी है क्रिकेट की। और भाई इसमें जो है भाई एक ईसा खिलाड़ी है इस एकेडमी में, इब्बे करी है बात सुनी है या तो बात करांगे। जो यार खिलाड़ी है उसने दादा लक्ष्मी चंद में भी जो है काम कराया है, और भाई जो है बाहर जो है खेल के भी आ रहे हैं, ये बच्चे ने तैयार करने लग रहे हैं। एकेडमी के बारे में बूझ लेंगे और जो है कल का जो मैच है उसके बारे में बूझ जाएंगे। आ जाओ तो दिखा दे भाई, इस साइड जो है प्रैक्टिस चल रही है, बच्चे जो हैं प्रैक्टिस करने लग रहे हैं, ये देख लो आप। आ जाओ तो भाई बॉलिंग चल रही है। और इस साइड अपना भाई साहब, राम राम भाई साहब, ठीक हो कोच साहब? अपना परिचय दे दो। मैं पवन कौशिक जी। तो पवन जी एकेडमी कद कर लिया? एकेडमी तो दो भी नहीं हुए हैं। कद कर लीजिए? दो भी नहीं हुए। दो भी नहीं हुए? हाँ। अच्छा अच्छा, तो बच्चे कितने काजे हैं? बच्चे 30-40 बच्चे आने लग गए। अच्छा अच्छा, आप कितने खेल के आए? मैं विजय मर्चेंट। अच्छा अच्छा, तो उसमें क्या क्यों है? जैसे 19 साल की टूर्नामेंट हो। अच्छा, और आगे फिर मतलब बड़े क्या तो कोनी आगे जिस तरह भाई ऊपर तई जो आगे जिस तरह की लेवल है मंत्री आगे तो टॉपर है लेनी है। अच्छा। जिस तरह की महेंद्रा हो गया। अच्छा, जो आटा निकला करता नहीं, वो तो मेरी सुनो, वो तो खेलने पर बात है ना। नहीं नहीं, सपास तो होते होंगे जिसने खेला नहीं आंदा। सुपारिश भी चला है? हाँ, सपास क्रिकेट में। हाँ, जिसने खेलना नहीं आंदा तो वो तो अध्यक्ष है। हाँ, जो कपिल देव था यो अध्यक्ष बना दे तो इंडिया के कोई बहुत टॉपर कामयाब होंगे। अच्छा अच्छा, तो मंत्री आके हैं। आईपीएल शुरू होया तो ये बढ़िया टीम देखने मिल रही है अपने। मैं बैट्समैन कर रहा था, बॉलिंग भी फील्डिंग भी, ऑलराउंडर। अच्छा अच्छा, हाईएस्ट कितना था अपना? हाईएस्ट तो ये चल दे रहे हैं 100 चल दे रहे हैं तो। अच्छा, ज़्यादा कर मैं पंचायती टूर्नामेंट बहुत खेले। अच्छा अच्छा, जिस तरह तक इंडिया में आज खिलाड़ी हैं, कोई ऐसा खिलाड़ी है जो आपके साथ खेले हो? नहीं, फिलहाल नहीं है। कौन है? पहले कौन था? पहले आईपीएल खेला, बिसला। बिसला? आईपीएल खेल गया? आईपीएल खेल रहे हैं। अच्छा, किसका था? कलकत्ता का, वो हिसार का था। हिसार का था? हाँ, फरीदाबाद नासिक स्टेडियम में था, हॉस्टल है फरीदाबाद क्रिकेट का, उसमें था। बोरा था जो नेशनल खेल रहा है मेरे साथ का। अच्छा अच्छा, ये बस सोनू भाई खेल रहे हैं। अच्छा अच्छा, अपने तो स्टेट खिलाते हैं मेरे भाई, स्कूली स्टेट है, और जो सिलेक्टर हैं इनको खेलना नहीं आ रहा। कपिल देव होता तो हरियाणा के टॉपर आज बहुत इंडिया खेल चुके होते। तो एक बार बंद करो इसने, कल फाइनल है, कौन जीतेगा? जो बढ़िया खेलेगा वो जीतेगा मेरे भाई, ये तो गेम है, ये पाकिस्तान की कोई सीमा थोड़ी है। ये तो अच्छा खेलेंगे वो जीतेंगे। दोनों टीम बराबर की है। बराबर की? हाँ। इंडिया का बारे में क्या कहना? इंडिया भी अच्छी टीम है और वो भी अच्छी टीम है मेरे भाई, ये तो पिच पे पता चलेगा। चलो धन्यवाद। तो इस साइड भाई छोटे छोटे बच्चा ने जो है भाई प्रैक्टिस कराया। सोनू भाई आओ एक बारी। राम राम भाई साहब। भाई राम राम, ठीक हो? ठीक है भाई। तो सोनू बोलने लग गया, गूंगा था भाई। कद देख लिया भाई? भाई आवाज आ गई। इबकड़ा के रोल मिल गया फिर? सबसे पहला भाई जो चैनल देख रहे हैं, चैनल किस नाम था भाई अपना? स्टार सुंदर न्यूज़। स्टार सुंदर न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सारे भाइयों ने राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। और सुंदर, आपका नाम सुंदरी भाई? मेरा सुंदरी नाम। सुंदर भाई है, और भाई मेरे हिसाब से दूसरी मुलाकात है हमारी है। हाँ। पहले हमारी सन सिटी में, शायद सन सिटी में। हाँ, याद आ गई, बोलन का नाम तो आ गया, तो दादा लक्ष्मी फिल्म में की बात चल रही। तो दादा लक्ष्मी फिल्म का पार्ट वन तो कंप्लीट हो चुका है, पार्ट टू की तैयारी है, और सबसे बड़ी बात है हरियाणवी स्टेज के ऊपर आ रही है दादा लक्ष्मी फिल्म। तो जितना भी हो सके अपनी संस्कृति को सपोर्ट करो। दादा लक्ष्मी के एक एक शब्द इस फिल्म के अंदर जो आज सच साबित हो गए हैं वो आप लोग देखो, पूरा परिवार के साथ बैठ के देखने की गारंटी हमारी है। स्टेज ऐप के ऊपर आप दादा लक्ष्मी फिल्म देखो। बिल्कुल। तो सोनू भाई क्या करोगे? फिल्म भी, नाटक भी, क्रिकेट भी, कभी छोड़ो भी? सुंदर भाई इस तरह है, जीवन में आदमी ना ऑलराउंडर होना चाहिए। अच्छा। अभी जो जिस तरीके से माहौल है, बच्चे जितने भी बच्चे देखते हैं, हम लोग ज़्यादातर फ़ोन में घुसे रहते हैं, फ़ोन में इंस्टा चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब पे कार्टून्स वगैरह देखते हैं। लाइफ बच्चों की ना, सही बताऊँ तो खेलने वाली नहीं रही, बच्चों की लाइफ कार्टून वाली होगी।
पहले हमारा एक दौर होता था कि हम सुबह जाते थे शाम को घर आते थे और कन्फर्म ये था कि घरवालों के लटखाने खाने हैं। आज हम अपने बच्चों को धक्के मार के निकालते हैं कि तुम बाहर खेलने जाओ। नहीं पापा, नहीं मामा, हम तो फोन देखा है, फोन है। तो ये एक माहौल बनाया हमने, जैसे शर्मा जी ने बताया, ये कोच साहब है, इन्होंने अकेडमी का जिम्मा उठाया कि बच्चों को जो बुरी संगत है उनसे हम बचा के रखेंगे। यहाँ बच्चे आएंगे, बड़े आएंगे, छोटे आएंगे, सब फ्री माइंड आएंगे, 2-2.5 घंटे अपने पर डे का यहाँ देंगे, जिससे उनका माइंड फ्रेश रहेगा। और एक जो फोन की लत है वो टिक टिक मार 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 यो आ गया वो खत्म हो जाएगी दिमाग में। तो सुनो भैया, आज आप क्रिकेट की बात कराएं, कल जो है मैच भी है, तो आप कितने खेल के भाई? स्टार्टिंग मेरा जो जीवन शैली रही है, मेरे काफ़ी इंटरव्यू रहे हैं उनमें, मैं क्रिकेटर ही था पहले। अच्छा। काफ़ी मैं करीब 10-12 साल क्रिकेट भी खेला हूँ और भीम स्टेडियम में मैंने प्रैक्टिस की थी। दर्शन मिड्डा कोच होते थे हमारे, मैं पहले डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर स्टेट खेला, नेशनल खेला, रणजी कैंप भी मेरा करे बड़ा भाई। कुछ हालात ऐसे थे कि भैया खिलाड़ी का नाम बताओ भाई। मेरे साथ प्रदीप साहू जो पंजाब में खेला कर रहे हैं, पंजाब टीम में खेल रहा, अगर प्रदीप साहू भाई साहब थे और भी बतेर थे, मोर भाई थे, सन्नी सिंह था जो अंडर 19 इंडिया खेल रहे, हमारा टाइम का था भाई, हम खेल प्रैक्टिस करा करते उनकी। और सुमित शर्मा थे बापुड़ा के जो रणजी प्लेयर रहे हैं, अच्छे शतक भी मारे उन्होंने मैच में, ये हमारे सब ग्रुप हमारा बैच होता था भाई। हरियाणा कप्तान भी सुमित शर्मा, हरियाणा कप्तान भी रहे हैं सबसे बड़ी बात। हाँ जी, तो आपका ये एस्ट के था, मतलब कितने रन मारे भाई? मैं बॉलर था, लेफ्ट आर्म बॉलर था भाई मैं। और बेस्ट क्या था अपना? मेरा बेस्ट बॉलिंग था भाई। नहीं, बेस्ट मतलब कै विकेट पर भाई? मेरे डिस्ट्रिक्ट में थे 5 विकेट थे और उसमें मैंने, आज भी मेरे याद है, वो राय के खिलाफ था, 52 रन दिए थे भाई 10 ओवर में और 5 विकेट थे मेरे। बढ़िया प्रदर्शन कराया भाई। और आज जो है अकेडमी कर रखी है, इसने कै भी नहीं होगी भाई? इसको अभी 10-12 दिन हुए टोटल, 10-12 दिन। नहीं नहीं, हमारा एक प्लान था, हम पर डे आते थे, थोड़ा सा सफाई सूफी मतलब सारा कंप्लीट कर ही रहे थे। 10 दिन के अंदर बच्चे आने शुरू हो गए, नेट लगा दिया, नेट और भी, ये तो फर्स्ट टाइम हमने, अब दीपावली ऑफर चल रहे थे। अच्छा। एक्चुअली इसमें जिस तरीके से शर्मा जी ने बताया कि इन्होंने ये बेड़ा उठा लिया कि हम बच्चों को खिलाएंगे यहाँ पे और फ्री सेवा अभी बच्चों की, बिल्कुल बच्चे आओ अपने आप को निखारो, 10 दिन के बाद यहाँ प्रॉपरली सब कम्प्लीट हो जाएगा। और सब में मतलब गांव के अच्छे अच्छे भाई भी हैं जो पुराने क्रिकेटर रहे हैं, वो भी सहयोग देते हैं, बॉलर को बॉलिंग के लिए समझाते हैं, बैटिंग के लिए समझाते हैं। और सबसे तो बड़ी फिर आप टीम दे पाओगे? हाँ, जब तक शूट नहीं आता, फिल्म के कोई शूट नहीं आता, नाटक का कोई शूट नहीं आता, तो भाई मैं कोशिश करूंगा बच्चों के साथ रहूँगी यहाँ पे। माटी तो जुड़े रहेंगे, कलाकार अपनी जगह, हर भाई अपना अपना अपनी जगह है। तो बेस्ट कौन है, कौन लड़का जो भाई आगत ही जा सके, कौन है? ये गौरव लड़का है, इसकी बैटिंग बहुत अच्छी है, ये लड़का एक अच्छी बैटिंग करता है और ऑलराउंडर बेस पे है। अच्छा। और इससे भी बड़ी उम्मीद है कि इस उम्र के अंदर बच्चा, जहां आज इस दौर में देखते हो तो आप घुसे रहते हैं फोन में, तो ये बच्चा क्रिकेट खेलता है सुबह शाम, इसका कि फोकस है पढ़ाई, पढ़ाई के बाद क्रिकेट। अच्छा। और अच्छा क्रिकेट खेलता है बच्चा। तो जो क्रिकेट चुने है, यो क्या था चुने है? और गेम क्या कौन चुने? अच्छे नहीं लगते और। अच्छा, ये बढ़िया लगा है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो मतलब आज आप, मैं प्रैक्टिस देख रहा था आपकी, तो यह प्रैक्टिस कब तक चल रही है, कभी नहीं होगी? 1-1.5 महीने से। 1-1.5 महीने में इतना वो बना दिया है? नहीं नहीं, हमारे मैं तो इसको करीब, मैंने बताया 10-12 दिन से मैं इसको देख रहा हूँ, बीच में इनका चल रहा होगा लेकिन मैं 10-12 दिन से साहब ने सिखाया मेरे। अच्छा, तो 1-2 महीने आया है खेलते हुए? हाँ। ले भाई, हैं? अच्छा, कैमरा एक बार उस साइड घुमाना, आप देखो अभी अगर 1.5 महीने पे वर्किंग की बात करें हम लोग। हाँ। तो अभी उस तरीके का वर्किंग नहीं है। अच्छा, तो अभी खाली देखो, खाली सीमेंटेड पिच बनी हुई है, साइड में कच्ची पिच बनी हुई है, बच्चे देखो अभी अभी ग्राउंड अगर देखेंगे, मुआयना करें तो मतलब प्रॉपरली 10 ही दिन दिए हमने इसको अभी। अच्छा, आते थे जाते थे, थोड़ा सा डिस्कस करते थे कि यहाँ से हम ये करवा देंगे, यहाँ से हम ये करवा, काफी पेड़ थे यहाँ पे तो उनको सफाई करवा के, थोड़ा सा मतलब जो सूखे पेड़ थे, इज नॉट हरे पेड़, सूखे पेड़ थे उनको कटवा दिया, उनको उधर डलवा दिया, देखो वहाँ पे पड़े सूखे पेड़, सिर्फ हरे जो पेड़ है उनको रखा गया ताकि क्रिकेटर जब खेल लें तो छाया में बैठ सके आराम से। और वैसे भी पेड़ तो प्रकृति है सर, इसके साथ तो खिलवाड़ कर ही नहीं सकते। तो अपने दर्शक हैं, ये देखना चाहूँ हैं जो अपना सोनू भाई है, किस तरह बॉलिंग कराया कर दे, तो एक बार बॉलिंग करके। हाँ, जरूर दिखा। चलो भाई, तो लाइव जो है तस्वीर में आप दिखाऊंगा, जो अपना सोनू भाई दिखा भाई, सोनू का नहीं कर जो, बस 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 बस। तो यार था भाई जो है सोनू भाई हेलमेट को नहीं पहन रहा, कदे लाग तो नहीं जाएगी? So high.
is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky. सुनो भाई, कल जो है फाइनल है वर्ल्ड कप, जी। तो के करना है उस बारे में? कल तो भाई यशपाल शर्मा जी ने भी एक पोस्ट डाली थी, हाँ। कि संडे ने पूरा वर्ल्ड कप देखा जाएगा और वर्ल्ड कप के साथ साथ जो फ्री रहेंगे दादा लक्ष्मी भी देखते रहिए। मैं तो भाई कलाकार हूँ, फिल्म का प्रमोशन कर रहा हूँ और करना भी चाहिए भाई, संस्कृति अपनी है। मैं कोई इस तरह नहीं कि हिंदी या साउथ की फिल्म का प्रचार कर रहा हूँ, अपनी बोली है, अपनी बोली में अपनापन है। तो वर्ल्ड कप का मैच है, टक्कर की टीम है भाई ऑस्ट्रेलिया, करीब मेरे हिसाब से 7-8 बार फाइनल खेल चुकी है। और इंडिया की बात करें तो ये जो मैच की बात करें वर्ल्ड कप की, तो टक्कर होगी पक्की, क्योंकि कुछ गलतियां ऑस्ट्रेलिया ने की है पिछले मैच में साउथ अफ्रीका के साथ में, तो उनको दोहराना नहीं चाहेगी वो, और इंडिया के साथ एक अच्छी लय के साथ वापसी करेंगे वो लोग। कंपटीशन होगा, जितने भी लोग वर्ल्ड कप देखेंगे प्लीज़ द्वेष की भावना से ना देखें, ये खेल है, खेल को खेल। टीम की कोई खास बात? इंडिया की और सारी खास बात है यार, ऑस्ट्रेलिया के पास इतने बल्लेबाज नहीं है रेगुलर, टच के नहीं है। इंडिया के पास एक से लेकर 6 तक तो टच के बल्लेबाज हैं, केएल राहुल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, शरेश अय्यर है, और शुभम गिल, तो जिसकी बात करें नया युवा प्लेयर यार, हम तो बच्चों को प्रेरणा देते हैं कि शुभम गिल को देखो, देखो कितना अच्छा बैट करता है आजकल। तो सारे यहाँ जडेजा ऑलराउंडर। आपका बेस्ट कौन? मेरा बेस्ट तो भाई जडेजा ही है। जडेजा क्यों? जडेजा ऑलराउंडर फील्डर, बैट्समैन और ऑलराउंडर बॉलर। अच्छा, और बोलिंग में? नहीं, बोलिंग का ये हो गया आपके। अच्छा। बैट्समैन की बात कर दो आप। अच्छा। बैट्समैन में भाई मैं रोहित का फैन हूँ। अच्छा। वो बंदा देश के लिए खेलता है, अपने लिए नहीं खेलता है, हालांकि खेलते सब देश के लिए, लेकिन रोहित शर्मा की बात करूँ तो वो जैसे वीरेंद्र सहवाग था, भाई देश के लिए खेलता था, चाहे वो रन बनाए 10, लेकिन वो बॉल 2 ही लेगा बस। तो ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो आते तुरता फुर्ती मचा दे, धड़ाधड़ दे। और कप्तान रोहित शर्मा भाई इस बार वर्ल्ड कप जिता के घर ही लेके आएगा। अच्छा। तो मैंने सुनी है कि जो क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे हैं भाई, इनमें जो है राजनीति भी चल रहा है, आपने लगा है राजनीति है? देखो अब तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया, राजनीति देखो चलती होगी, थोड़ी बहुत चलती होगी, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल जीरो कह सके, ये इंडिया है या सब जायज है। तो वो खेल के अंदर लगाओ, सिनेमा के अंदर लगाओ, आप किसी भी जगह लगाओ आप, तो 2-3% तो कहीं ना कहीं चलता ही है। हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि यार भाई साहब को रहने दो, बजट हैवी है, कम ले लेते हैं, इतना बजट चलता है भाई, सबके साथ होता है, लेकिन टैलेंट छुपता नहीं है। आप में टैलेंट है और बच्चे टैलेंटेड हैं, तो किस दिन, मतलब कई दिन नहीं रोक सकते उसको, वो एक दिन उभर के पेड़ों निकल के बाहर आएगा ही आएगा। तो ये आज तो सबसे बड़ा है। आज देखो आप क्रिकेट खुद देखते हो, आज फिल्में देखते हो, आप जितनी भी चीज़ें आप देखते हो उसमें आज कलाकार से ज़्यादा दर्शक बहुत बारीकी से देखता है कि ये एक्टर है कि नहीं है, ये बैट्समैन है कि नहीं है, ये बॉलर है कि नहीं है। अगर पॉइंटों की बात करें, सिफारिश की बात करें, तो सचिन तेंदुलकर लड़का अर्जुन अभी तक तो इंडिया खेल रहा होता है भाई, सबको पता है कि खेल चाहिए, अच्छा दम होगा तो वही आगे आएगा। बिल्कुल, सही बात। तो बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सभी दर्शकों से गुजारिश है भाई, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह अकेडमी की वीडियो, अगली वीडियो भाई की आओगी, हरियाणवी फिल्मा को ऊपर जल्द मिलेंगे भाई, तो लाइक और सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो। मेरा एक डायलॉग था, अभी हाल ही में एक स्टेज ऐप पे फिल्म आई थी घूंघट मेरी, घूंघट में मेरा एक डायलॉग था, वो लेडीज़ घूंघट नहीं उठाती है, शादी हो गया जाती है गाँव में तो घूंघट नहीं उठाती, तो मेरा एक डायलॉग उसमें, आज ची पूरा गाँव में आग लाग जा, आज ची पूरा गाँव में आग लाग जा, ची पूरा गाँव इब्बे चढ़ जा, पर तू घूंघट था। उठवा दिया फिर घूंघट। हाँ, घूंघट उठवा दिया था उनका,
बड़ी अच्छी रही है और रेगुलर आप लोग देख भी रहे, घूंघट को भी अच्छा चल रहा है, स्टेज पे टोटली कॉन्सेप्ट अच्छे आ रहे हैं और कल मरे हुए कलाकार जिंदे हो गए भाई साहब। आज आप भी कलाकार हो, माइक लेके पहुंच जाते हो तो आपके पास भी स्कोप हो गया कि भाई हमारे पास अच्छी अच्छी न्यूज़ें हैं, सिनेमा से जुड़ी हैं तो खेल से जुड़ी है, तो ये बहुत अच्छा है। सब भाइयों ने जितने भी हिंदुस्तान करोड़ों जितने भी लोग देखते हैं सबको नमस्कार भाई, बिल्कुल ऐसे जोटा मारते रहो। और इस साइड काफ़ी युवा भी खड़े हैं भाई, तो भाई साहब कल कौन जीतेगा? कल भाई इंडिया जीतेगी। इंडिया और चलो और आ भाई खेला करो, ये अरब बात जो क्या, तो आ भाई इंडिया के बारे में बताओ। के बताओ भाई कौन जीतेगा? इंडिया वाले जीतेंगे। इंडिया वाले जीतेंगे। कौन जीतेगा भाई, कौन जीतेगा कल? क्या मैं इंडिया जीता, इंडिया जो बापुड़ा में आप फिलहाल मौजूद हैं और जो है अकेडमी फिलहाल जो है करी है या एक दो भी नत है और कल जो है फाइनल मैच भी है, के कुछ रहेगा उस मैच का बारे में जो है अपनी राय जरूर दे दियो। और अकेडमी है या कोई भी खेल सका है और कोई भी अड़ा के प्रैक्टिस कर सका है, फिलहाल बापुड़ा में है भाई जो पानी वाली डिग्गी है उसमें, तो आसपास के युवा हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखे हैं क्रिकेट में तो वे आस कहें हैं, तो इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में बनी राय जरूर दी। और राम राम सारे भाई, जय हिंद जय भारत।